अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर 1 है आपके सामने, मैंने लिख दिया। अच्छा, इस सवाल पर आप गौर करें कि इसका डिवाइज़र है 2x-3y और इसका डिवाइज़र है 3y-2x, यानी कि उलट है। तो हमने ये करना है कि इस डिवाइज़र को ना इस जैसा हमने भाई बनाना है, ठीक है। आसान सी मैं तरकीब आपको बताता हूँ, बिल्कुल आसान सी। इसकी शेप इस जैसी बन जाएगी। इधर मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे देता हूँ। अगर भाई कहीं पर हो ना y-x, अगर आप इसमें से माइनस कामन ले लें तो ये बन जाएगा x-y, ठीक है। यानी माइनस कामन लेने के बाद अंदर वाली जो टर्म्स होती हैं वो उलट जाती है, यानी y-x ये बन जाएगा x-y। सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करें आप। देखें भाई, 15 ओवर 2x-3y-4 ओवर, इन दोनों में से माइनस कामन, तो ये क्या बन जाएगा भाई, 2x-3y, यानी कि जो अंदर वाली टर्म्स हैं वो उलट जाएंगी। तो 15 ओवर 2x-3y, यहाँ देखिए जी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 ओवर 2x-3y। अब देखें कि सेम डिवाइज़र्स हैं, 2x-3y इधर भी है, 2x-3y सेम डिवाइज़र्स हैं, तो आप जानते हैं उनका एलसीएम वही चीज़ बन जाती है 2x-3y। और ऊपर वाले नंबर सिंपली लिख दें 15 प्लस 4, तो ये भाई बन जाएगा 19 ओवर 2x-3y, यही आपका आंसर होगा। अच्छा भाई, इस सवाल में देखें कि इसका डिवाइज़र है 1-2x और इसका है 1+2x, यानी यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है भाई, प्लस है। सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट है। तो हम भाई इनमें क्या करते हैं, इनका एलसीएम क्या होता है, कैसे बनाते हैं। देखिए भाई, पहला डिवाइज़र पहला बट्टा लिख लें 1-2x, साथ लिख लें दूसरा बट्टा 1+2x, दोनों को मिलाकर लिख दें तो यही हमारा बन जाता है एलसीएम, या उर्दू में इसका नाम होता है बेजू अजाफे अकल, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर लिखें। अब आप देखें कि हम टेबल कैसे लेकर जाएंगे। आसान सा भाई तरीका है टेबल ले जाने का, तुम भाई इधर आ जाओ ज़रा। आशिर, देखिए पहला बट्टा है भाई 1-2x, ठीक है, इस पर हाथ रखो 1-2x पर, ठीक है। इधर है ना 1-2x, इस पर भी हाथ रखो, मतलब ये कि ये दोनों कट गए। इडू खलो ना, हाँ इधर हाथ रखो, इधर हाथ रखो। अब ये जो एक जैसे हैं ना, एक जैसे वो कट जाते हैं, जो सेम जो बट्टे हैं ना, ये वाला और ये वाला कट जाएंगे। अभी हाथ रखो ना, और ऊपर वाला ये वाला और ये वाला बच गए। इनकी आपस में आपने भी करनी है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई, यहाँ खड़े हो जाओ। यानी 1+2x और 1+2x ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 1+2x × 1+2x, 1+2x का स्क्वायर, ठीक है। दरमियान में अलामत क्या है भाई, माइनस। अब दोबारा हाथ रखो, कहाँ कहाँ रखेंगे, शाबाश। हाँ, किसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ बोलो ना, क्या नाम है उनका, 1-2x और 1-2x, क्या बन जाएगा, 1-2x2। हाँ, तो यहाँ बन जाएगा भाई, शाह भाई बैठ जाओ, 1-2x2, यानी इससे ये कट गया ना, ये और ये बच गए, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये बन जाएगा स्क्वायर। अच्छा जी, एक मैं फार्मूला इधर मेंशन कर देता हूँ, a+b² - a-b² ये इक्वल होता है 4ab के, ठीक है। 4, अब देखें
उधर था ना ए प्लस बी होल स्केयर, यहाँ पर है वन प्लस टू एक्स होल स्केयर, दरमियान में इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, वहाँ पर था ए माइनस बी होल स्केयर, यहाँ पर है वन माइनस टू एक्स होल स्केयर, यानी इसकी जो शेप है इससे मिलती है। इसका जवाब बन गया फोर ए बी, इनका जवाब बन जाएगा फोर इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। जैसे यहाँ पर ए लिखा था बी लिखा था, यहाँ पर क्या लिखेंगे वन और साथ टू एक्स, ठीक है। नीचे पुराना फार्मूला जो उधर कल मैंने लिखा हुआ था ए माइनस बी और ए प्लस बी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ये वाला फार्मूला फर्स्ट क्या है वन है, सेकेंड क्या है टू एक्स है, बस अब नॉर्मल आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, चार ज़रबे एक ज़रबे तो क्या बन गया एट एक्स, वन स्क्वायर वन, टू एक्स स्क्वायर किसके बराबर भाई फोर एक्स स्क्वायर के बराबर। अच्छा भाई देखें कि यहाँ फार्मूला फिट हो रहा है, जहाँ पर भी भाई स्क्वायर बने ना, कहीं पर भाई 36 आ जाता है 49 आ जाता है, इसके अलावा 100 आ जाता है 4 आ जाता है 1 आ जाता है, इस सेकंड टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्क्वायर बनने के काबिल हो तो आपने उसका स्क्वायर बना देना है अगर दरमियान में माइनस हो। देखिए एक्स स्क्वायर है और ये क्या बन गया भाई फाइव स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर और 36 क्या बन गया सिक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। अब आपने भी ऊपर फार्मूला लगाना है, दो स्क्वायर्स हैं दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा जमा एक दफ़ा नफी, यानी एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस फाइव, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे एक्स प्लस सिक्स और x माइनस सिक्स, ठीक है जी, x प्लस फाइव और x प्लस सिक्स, ठीक है। तो आगे देखें भाई, अब आपने बनाना है जी LCM। देखें भाई क्या बनेगा, पहला बट्टा है x प्लस सिक्स ये लिखें, दूसरा बट्टा है x माइनस सिक्स वो भी लिखते हैं, डिफरेंट है। तीसरा फिर क्या है x प्लस सिक्स है, चूँकि ये पहले से मौजूद है तो ये तीसरी बार यहाँ ना लिखें, ठीक है, बस यही इन दोनों का ना LCM होगा। अब आप देखें, अब आपने करवानी है कैंसिलेशन, देखें ना इस x प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स ये दोनों कट गए, ऊपर नीचे क्या बच गया हाँ x प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव और नीचे कुछ भी नहीं बचा, यानी x प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव और माइनस। इधर देखें भाई एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस सिक्स कट गए, मैं समझाने के लिए ऐसे हल्की सी लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, ये कट गए भाई, ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना, ये मौजूद होगा ये कटता, ओरिजिनली ये नहीं कटता, ये समझाने के लिए। इधर क्या बच गया एक्स माइनस सिक्स और यहाँ क्या बच गया एक्स प्लस फाइव, एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव, ठीक है जी। फर्दर आपने करनी है जी सिंप्लीफिकेशन, देखिए ना x प्लस फाइव और x माइनस फाइव ये ओरिजिनली ये असल में किसके बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस 25 के बराबर था, बजाय वो ज़रबे शरबे दें लंबा चौड़ा स्टेप बन जाएगा, डायरेक्ट आप इसे लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 25, हाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन करना होगी और ये ब्रैकेट के अंदर करें, वजह क्या है बार माइनस है इस वजह से आप ब्रैकेट लगा दें। देखें जी एक्स को एक्स से मिलाएं क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, माइनस सिक्स को उठाएं माइनस सिक्स एक्स और माइनस प्लस माइनस क्या बन गया भाई 30 बन गया, ठीक है जी। नीचे अब देखिए एक्स प्लस ये मैंने कहा था ये मैं कटा नहीं रहा वैसे समझाने के लिए, एक्स प्लस सिक्स और एक्स माइनस सिक्स इसकी असल हालत लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 36, ठीक है जी। अच्छा मैं भी इधर आ जाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस पहले, अच्छा सबसे पहले ना ये बराबरी लगाया करें इक्वालिटी, उसके सामने लाइन लगाएं बट्टा लगाएं, लाइन और बराबरी ये बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। बहरहाल एक्स स्क्वायर माइनस 25, अच्छा ऐसा करें माइनस को अंदर ले जाएं, अंदर वाली तमाम जो अलामतें हैं ये उलट जाएंगी,
माइनस एक्स स्क्वायर होगा माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स और प्लस 36 नहीं 30। और नीचे क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब देखें कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये है माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स, ये आ गया वन एक्स, और माइनस 25 प्लस 30 ये प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36। अच्छा जी, एक्स ओवर एक्स माइनस वाई माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्स वाई, और ये पुराना वही फार्मूला भी, दो स्क्वायर्स हैं और माइनस है, एक दफ़ा प्लस कर दें, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, अब आपने वो एलसीएम वाला वो खाता करना है जी। देखें, एक बट्टा है एक्स माइनस वाई, ये लिख दें, दूसरा डिफरेंट है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई लिख दें, फिर एक्स प्लस वाई है ना लिखें, आ चुका एक्स माइनस वाई वो भी आ चुका है, ना लिखें। ठीक है, ये आपका बन गया अभी एलसीएम। अब आपने हाथ रखना है, सेम फैक्टर्स को कटाते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कट गए, एक्स को किस से मिलाएंगे, एक्स प्लस वाई से माइनस। अब देखें भाई, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कट गए, ये वाई को किस से मिलाएंगे, एक्स माइनस वाई से। इधर देखिए, दोनों कट गए, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई कट गया। जब मुकम्मल कट जाए ना, फिर याद रखें ये ऊपर वाली शय आ जाती है टू एक्स वाई। ठीक है जी, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस वाई इंटू एक्स वाई एक्स, वाई एक्स या एक्स वाई लिख दें। इधर देखिए, माइनस माइनस प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई इंटू एक्स वाई एक्स या एक्स वाई, और माइनस माइनस प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर और माइनस टू एक्स वाई। नीचे है भाई एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, इधर देखे ना, ये एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कट गए, क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, और नीचे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ऊपर देखे ना, ऊपर बन रहा है कामिल मुरब्बा, जिसे उर्दू में हम कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर। किसका है भाई कंप्लीट स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब आपने करानी है कटिंग, एक्स माइनस वाई पर फुल फेरें, और इधर एक्स माइनस वाई की पावर पर फेरें, पावर एक बच गई, और आप जानते हैं एक पावर लिखी नहीं जाती, ऊपर क्या बच गया, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। चलो जी, अच्छा भाई देखें, एक्स माइनस टू ओवर डिवाइज़र को हम बनाना चाहते हैं कंप्लीट स्क्वायर, कैसे बनाएंगे भाई, एक्स स्क्वायर है नाइन को लिख सकते हैं थ्री स्क्वायर, और आप जानते हैं दरमियान में होना चाहिए टू इंटू एक्स इंटू थ्री। अगर आप चेक कर लें कि ये जो मकदार इससे बढ़ तो नहीं गई या कम तो नहीं हो गई उससे, देखें दो सर भी तीन छः, छः एक्स थ्री स्क्वायर नाइन के बराबर, तो मकदार भी पूरी रही, माइनस एक्स प्लस टू ओवर दो और अठारह, इनमें से दो कॉमन, तो अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर अठारह में से दो कॉमन क्या रहेगा, नाइन, दो नौ अठारह। ठीक है,
अब देखें भाई x माइनस टू ओवर, अब ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर किसका, ज़रा सोचें, पहली टर्म होगी x, दूसरी होगी 3, दरमियान में अलामत प्लस माइनस x प्लस टू। अच्छा ये मैं स्टेप एक डायरेक्ट कर देता हूँ, ये जो 9 है ना, 9 की जगह मैं लिख देता हूँ क्या चीज़, 3 स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री, ये आ गया भाई। हाँ अब देखें, अब हमने जाना है एलसीएम की जानिब, ये ज़रा लाइन बड़ी सी लगाएं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन वगैरह ज़्यादा होगी। देखिए पहला बट्टा इधर लिखें, एलसीएम हम बनाने जा रहे हैं, पहला बट्टा उठा कर इधर लिख दें, क्या है जी, एक्स प्लस थ्री है, एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर है, ये लिख दिया। अब इधर आ जाएंगे, क्या है, टू है, टू इधर मौजूद नहीं है, तो साथ क्या लिख दें भाई, टू लिख दें। एक्स प्लस थ्री मौजूद है ना लिखें, और एक्स माइनस थ्री मौजूद नहीं है, तो ये लिखना होगा एक्स माइनस थ्री। अब आपने बड़ी एहतियात से कैंसिलेशन करवानी है, ठीक है। अब देखें x प्लस थ्री होल स्क्वायर और x प्लस थ्री होल स्क्वायर ये कट गए, नीचे बच गया दो x माइनस थ्री, ऊपर बच गया x माइनस टू, इन तीनों को आपस में मिला दें, टू माइनस, यहाँ बड़ी एहतियात से सवाल करना है। देखें दो कट गया, ख़त्म हो गया, x माइनस थ्री भी कट गया, x प्लस थ्री की एक पावर कट जाएगी x प्लस थ्री की एक पावर से, इसकी मतलब ये है कि x प्लस थ्री रहेगा, बाकी सारे दो भी गया, x माइनस थ्री भी गया, और x प्लस थ्री की एक पावर कट गई और x प्लस थ्री रह गया, तो x प्लस थ्री नीचे बच गया, x प्लस थ्री को मिलाएंगे एक्स प्लस टू से, नीचे रह गया था ना एक्स प्लस थ्री, ऊपर रह गया एक्स प्लस टू, इनको आपस में मिला दें, ठीक है। अब आपने मज़ीद करनी है जी एक्सपेंशन, इक्वेलिटी डालें, इसके सामने लगाएं जी लाइन, दो लिखा रहे, इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, टू इंटू, देखें भाई एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर लिखाओ भाई, क्या बन गया, माइनस टू एक्स, ये देखें ना माइनस थ्री माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, टू इंटू थ्री सिक्स, ठीक है, माइनस इधर देखें भाई एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आगे प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स, और ब्रैकेट क्लोज, नीचे वही लिखा रहे, टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री, अब आप ये करें कि दो को अंदर ले जाएं, अंदर मल्टीप्लाई करें, तमाम को ये डबल कर देगा, यानी क्या बन जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व माइनस। अब माइनस का सिर्फ एक काम है, अंदर वाली अलामतें तब्दील कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स, ठीक है जी। अब आप देखें कि 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये x वाली ये है ये है ये है ये है, माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस टेन और माइनस टू माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन, कांस्टेंट पर आ जाएं, जमा बारह नफी छः जमा
नीचे वही लिखा रहे, बस ये आपका आंसर होगा। अच्छा भाई देखें, इन दो को पहले आप सॉल्व करें, ठीक है। इन दो को, इनका एलसीएम क्या बनेगा? एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखें ना, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन ये कट गए, वन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एक्स प्लस वन से, तो एक्स प्लस वन ही रहेगा माइनस। उसी तरह एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन कट गए, क्या बच गया? एक्स माइनस वन, ये आ गया जी। इन्हें उसी तरह लिख दें भाई, अच्छा जी ये ब्रैकेट हटा दें, ये ब्रैकेट रिलीज कर दें, एक्स प्लस वन होगा। इस ब्रैकेट के बाहर कौन सी अलामत है? माइनस है, ये अंदर जाकर माइनस एक्स और प्लस वन अलामत उल्टा देगी, ठीक है। और नीचे भाई डायरेक्ट पुराना फार्मूला एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर ओवर एक्स फोर माइनस वन। अच्छा भाई देखें, प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गए, ठीक है। और ये भाई देखें ना, वन स्क्वायर किसके बराबर? वन के बराबर, ये मैं डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ भाई, चलो एक स्टेप इजाफी कर लेते। वन प्लस वन कितना बन गया भाई? टू, और एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन स्क्वायर वन के बराबर, माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर ओवर एक्स फोर माइनस वन। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो समझते हैं कि ये फैक्टर और ये फैक्टर एक जैसे हैं, वो इनको आपस में कटा देते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी, ये डिफरेंट है। इधर देखें ना, माइनस है और इधर क्या है? प्लस है। इनका आप लें एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस अंदाज से। अब देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन कट गए, टू को मिलाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन से, एक्स स्क्वायर प्लस वन कट गए, टू को मिलाएं एक्स स्क्वायर माइनस वन से, ये बन जाएगा कम्बिनेशन फोर ओवर एक्स फोर माइनस वन, ठीक है। अच्छा भाई देखें, टू को अंदर ले जाएं, दो को अंदर ज़रब दें, ये बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, और माइनस टू को भी अंदर ले जाएं, अंदर वाली अलामत भी तब्दील होगी, माइनस टू एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस टू, ठीक है। बस अच्छा, ये जहाँ तक याद रखें टर्म्स हो ना, वहाँ तक ये लाइन लगाते हैं, वरना ये अच्छी नहीं लगती। आप लाइन यहाँ तक लगा लें, रकम यहाँ तक ख़त्म हो जाए, तो ये इस बात का आपने ख्याल करना है। अच्छा नीचे फिर आप देखें, नीचे वही फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ठीक है, फोर इंटू एक्स फोर माइनस वन। अब देखें भाई, टू एक्स स्क्वायर से टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू प्लस टू फोर ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है जी एक्स फोर, वन स्क्वायर वन माइनस फोर ओवर एक्स फोर माइनस, हाँ अब देखें, अब ये सिमिलर फैक्टर्स हैं, एक जैसे हैं, अब आप इन्हें कटा सकते हैं और आंसर क्या बन गया जी? सिफर। अच्छा भाई देखें कि एक्स स्क्वायर है 49 को हम लिख सकते हैं सेवन स्क्वायर, ठीक है, दो स्क्वायर्स बन गए, वही पुराना फार्मूला। एक दफ़ा प्लस कर दें, एक्स प्लस सेवन और एक्स माइनस सेवन डॉट फाइव एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस सेवन। अब देखें, एक्स प्लस सेवन से एक्स प्लस सेवन कट गया,
एक्स माइनस सेवन इंटू फाइव एक्स प्लस टू, यही आपका आंसर है। अच्छा भाई, इस सवाल में ये करें कि डिवीजन को बना दें मल्टीप्लिकेशन, तकसीम को बना दें ज़र्ब, ठीक है। तो होता भी क्या है, जो सामने वाला जो जो फ्रैक्शन होती है ये उलट जाती है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन ऊपर चला गया, 18 माइनस टू एक्स स्क्वायर ये नीचे आ गया, ठीक है। ये आपने पहला स्टेप करना है। उसके बाद वही पुरानी सारी गेम है जी, 4x माइनस 12, इनमें से 4 कामन, 4 बाहर तो क्या रहेगा x, 12 में से 4 बाहर तो क्या रहेगा 3, 4 3 12, ठीक है। एक्स स्क्वायर और 9 को लिखेंगे भाई 3 स्क्वायर इंटू, ये जैसे हमने एक पीछे एक सवाल के अंदर किया था कंप्लीट स्क्वायर, हम इसे बनाएंगे। एक्स स्क्वायर 9 को क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, नीचे क्या लिखेंगे 18 और 2, इनमें से क्या कामन, 2 कामन, देखिए भाई 2 9 18 और 2 बाहर तो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। एक्स माइनस 3, अब इधर देखें जी, 2 स्क्वायर से दरमियान में माइनस, एक दफा प्लस, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 ऊपर बन गया कंप्लीट स्क्वायर, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर नीचे 2। अब देखिए ना, 9 जो है मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, ये क्या होगा 3 स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे जी, 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, ठीक है जी। अब आप कटाएं, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट गया, ज़रा समझे ना, ये भी एक्स प्लस 3 है और ये भी एक्स प्लस 3 है, ये सेम है, ये दो फैक्टर ये सेम। अब ये दोनों मिलकर ना, यानी ये स्क्वायर बन जाएगा ना, ये और ये एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये दोनों इससे कट जाएंगे, ठीक है। और 2 और 4, ये 2 2 4 हो गया, ठीक है। ऊपर रह गया भाई 2 और नीचे क्या रह गया 3 माइनस एक्स, जी आपका आंसर है। अच्छा भाई देखें कि इधर डिवीजन है, पिछले सवाल की तरह इसे हमने बना देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू, अब देखिए ना इसका जो बट्टा है वो एक है, ये उलट जाएगा, जाएगा वन ओवर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर, ठीक है जी। एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर, इन दोनों को ना इस और इसको आपस में मिला दें, ठीक है, इन्हें आप कंबाइन कर दें। अच्छा भाई देखें, एक फार्मूला मैं इधर मेंशन करता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये इसकी एक्सपेंशन है और ये इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। ज़रा आप इस पैटर्न पर गौर करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए माइनस बी, इधर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह एक्स फोर प्लस वाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ये और ये सेम है, ठीक है, यानी हम इसकी मैचिंग कर सकते हैं इसके साथ। अब देखिए इसकी क्लोजिंग ये हो गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो भाई इसकी क्लोजिंग क्या होगी, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, यानी फर्स्ट टर्म इधर क्या होगी एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या होगी वाई स्क्वायर, तो देखें भाई एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स, देखें
स्क्वायर है, क्यूब है, क्या हो जाएगा एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स, तो ये कट गए, आंसर क्या बन गया वन। अच्छा जी देखें, एक्स स्क्वायर और वन है वन स्क्वायर, ठीक है, नीचे हमने बनाना है कंप्लीट स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वन को लिखेंगे वन स्क्वायर टू डॉट एक्स डॉट वन, ठीक है। अब देखें ना, दो ज़रबे एक ज़रबे एक्स वही बन जाता है दो एक्स, और वन स्क्वायर वन के बराबर, यानी ये हमने असल में वही चीज़ लिख दी है कंप्लीट स्क्वायर के बनाने के लिए, एक्स प्लस फाइव। अच्छा ऐसा करें, इसमें से ना एक माइनस आप कॉमन ले लें, ये वन माइनस एक्स है, ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस वन। अब देखिए भाई, दो स्क्वायर्स हैं दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस कर दें, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, और नीचे नीचे भाई बन जाएगा कंप्लीट स्क्वायर, किसका कंप्लीट स्क्वायर एक्स प्लस वन का कंप्लीट स्क्वायर डॉट एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस वन। ये भाई भी माइनस किधर गई, ये माइनस बिल्कुल आप शुरू में ले आए, यहाँ पर ये माइनस आप इधर ले आए। अब आप कटाएं एक्स प्लस वन, इस पर फुल फेरें, इधर एक पावर गई, एक पावर यानी बच गई, और एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन कट गया, ऊपर क्या बच गया जी एक्स प्लस फाइव और नीचे एक्स प्लस वन, ठीक है। अच्छा भाई, पहला स्टेप ये करें कि डिवीजन को बना दें मल्टीप्लिकेशन डॉट, मैंने लिख दिया ऊपर वाला फैक्टर, ऊपर वाला ये नीचे ले आए और नीचे वाला ऊपर, ठीक है, बस पहला स्टेप आपका यही है। अब आपने सिंपली सवाल में कॉमन वगैरह लेने, कुछ भी नहीं करना, एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स कॉमन, देखिए भी अंदर क्या रहेगा, एक्स बाहर आ गया तो एक्स रहेगा, इधर क्या रहेगा वाई। आगे चले भाई, फिर यहाँ से भी एक्स कॉमन, अंदर क्या रहेगा एक्स प्लस वाई, वाई और एक्स प्लस वाई, इनमें से देखें क्या कॉमन है जी, एक्स कॉमन, अंदर क्या रहेगा वाई माइनस टू, नीचे से भी एक्स कॉमन, अंदर एक्स माइनस वन, एक्स सारे का सारा बाहर तो क्या रहेगा वन। अब कटाएं एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, इधर भी कट गया भाई एक्स से एक्स कट गया, और कोई कटिंग हो रही है जी, नहीं हो रही। एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू, नीचे देखें जी वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वन। जी जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है। तो ये भाई चैनल है, ये स्टूडेंट्स में को बताएं और शेयर करें, आसान अंदाज में मैंने आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझा दी, और ये पेपर में ये आने वाले सवाल हैं, ये 4.1 में से ना दो तीन सवाल अक्सर व बेशतर आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया।